पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है, लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत हुई प्रवासी मोनाक तितली। प्रवासी मोनाक तितली को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर्यावरण विनाश और जलवायु परिवर्तन मुख्य तौर पर इस तितली को विलुप्ति के कगार पर धकेलने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। तो प्रवासी मोनाक तितली की एक उपप्रजाति है जो हर साल अमेरिका महाद्वीप में लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है। प्रवासी मोनाक तितली तितली की सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रजातियों में से एक है और महत्वपूर्ण परागण करता है। ये वैश्विक खाद्य वेब को बनाए रखने जैसी विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करती हैं। अमेरिकी महाद्वीप में पिछले एक दशक में प्रवासी मोनाक तितली की आबादी में 23 से 72% की गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी महाद्वीप के अलावा इस तितली की कुछ आबादी भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। अब बात करते हैं IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के विषय में। तो ये एक सदस्यता आधारित संघ है जो मुख्य तौर पर सरकार और नागरिक समाज दोनों तरह के संगठनों से मिलकर बना है। इसे वर्ष 1948 में गठित किया गया था और ये प्रकृति की स्थिति एवं इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण के रूप में काम करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। संकटग्रस्त प्रजातियों को लेकर IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। IUCN द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग किया जाता है। ये मानदंड दुनिया की अधिकांश प्रजातियों के लिए प्रासंगिक हैं।